कि आज पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वो 12 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे के बाद कैप्टन की सोनिया गांधी से मुलाकात संभव है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। 30 जून को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। खबर है कि सिद्धू को पंजाब में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आज जो ये मुलाकात होने जा रही है वो किस तरह से, कितने मायनों में खास है, ये एक बड़ा सवाल। क्या इसके बाद जो अंदरूनी कलह बना हुआ है वो शांत होगा? तो पंजाब से रवाना होते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से रवाना होते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 12 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद 2 बजे मुलाकात संभव मानी जा रही है। सोनिया अमरिंदर की मुलाकात होगी, किस फॉर्मूले पर चर्चा होगी, क्या चर्चा के बाद जो अंदरूनी कलह है वो शांत होगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका इंतजार अभी करना होगा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में संकट लगातार जारी है। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज नई दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवरों के बाद कैप्टन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में कैप्टन सोनिया की मुलाकात से पंजाब का रास्ता तय हो सकता है। पंजाब कांग्रेस में लंबे वक्त से अंतर कलह चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नवजोत सिंह सिद्धू पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले विवाद खत्म करने के लिए केंद्रीय आलाकमान एक्टिव हुआ है। पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार हाईकमान के साथ पंजाब की लीडरशिप की बैठक जो की है वो की जा रही है। इस वक्त की बात की जाए तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज जो की है हाईकमान के आगे जाके पेश होंगे, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज की बैठक को निर्णायक बैठक भी कहा जा सकता है। इस वक्त पहले तस्वीरों में आपको दिखा दें, इस वक्त हम मौजूद है चंडीगढ़ के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हेलीपैड पर, जहां पर कुछ ही देर बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचेंगे और उनका चॉपर जो कि है वो इस वक्त यहां मौजूद है। सीएम रूट जो कि है वो लग चुका है, तमाम सिक्योरिटी पर्सनल यहां पर मौजूद है, और कुछ ही देर बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ के इस हेलीपैड से रवाना होंगे दिल्ली के लिए, और जहां पर उनकी दिल्ली में जाकर उनकी बैठक होगी एक सोनिया गांधी के साथ, क्योंकि लगातार जो कि है पंजाब कांग्रेस के अंदर एक विवाद जो कि है वो छिड़ा हुआ था, उस विवाद को भी सुलझाना होगा। और लगातार जो जो लीडर्स इस वक्त पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो कि इनडिसिप्लिन की भी बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं एकजुट कर पार्टी को एक साथ यूनाइट कर 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए जो कि तैयार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज की यह बैठक जो की है वो निर्णायक बैठक भी जरूर मानी जा सकती है। तो आज की बैठक निर्णायक मानी जा रही है, माना जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मंगलवार यानी कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह नई दिल्ली में सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस का विवाद निपट सकता है। इसी पर 10 बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं, उसी की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला तय हो सकता है जिसके बाद अंतर कलह पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम क्या लग जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। दोपहर 2 बजे सोनिया अमरिंदर की मुलाकात संभव मानी जा रही है, 2 बजे का समय। वहीं पार्टी के संकट को खत्म करने के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। अब ये चर्चा कितनी देर तक होती है, कैसे, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, नवजोत सिंह सिद्धू को कोई जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा हो सकती है। अमरिंदर 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं 22 जून को 3 सदस्यीय कमेटी से मिले थे अमरिंदर सिंह, 22 जून को सोनिया राहुल से मिले बिना ही चंडीगढ़ लौट गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और सिद्धू ने 30 जून को राहुल और प्रियंका से मुलाकात की थी, और सीधा मुलाकात के बाद तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, और ये हेलीपोर्ट दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ये तस्वीरें जी न्यूज पर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, और सीधा ये रुकेगा दिल्ली जाकर,
वहां मुलाकात होगी सोनिया गांधी से, लेकिन मुलाकात के बाद क्या परिणाम निकलता है, किस निष्कर्ष पर पार्टी पहुंचती है, ये बड़ा सवाल। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हेलीपैड तो हमने देख लिया चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आता हुआ, लेकिन क्या दिल्ली से कुछ ऐसा फॉर्मूला तय होगा जो पंजाब की अंतरकलह, कांग्रेस के अंतरकलह को खत्म करने में कामयाब हो? देखिए बिल्कुल, जो कमेटी ने मुलाकात की थी तमाम नेताओं से, चाहे कैप्टन अमरिंदर से, सिद्धू से, उसके बाद सिद्धू की राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से मुलाकात होना, और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर का फाइनली सोनिया गांधी से मुलाकात होना, इसका मतलब मान के चले कि कोई फॉर्मूला फाइनल हो गया है, एक फॉर्मूले पर बातचीत होगी। और कैप्टन अमरिंदर को बातचीत करने का मामला कहा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शायद ये बात नहीं बनती, इसलिए सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है। आपको प्रियंका बताना चाहूंगा कि 2017 में भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी, उस समय प्रताप सिंह बाजवा अध्यक्ष थे और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, उनके खिलाफ लगातार बोल रहे थे, लेकिन बावजूद इसके कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, सारे चीजें सॉर्ट आउट होती है, उसके बाद बाजवा साहब को राज्यसभा भेजा जाता है, उनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर किसी और को बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला फाइनल लगभग हो गया होगा। और कैप्टन अमरिंदर से बातचीत कर सोनिया गांधी जब कहेंगी तो जो बातें मानने की बात, राहुल गांधी की बात शायद वो ना माने, प्रियंका गांधी शायद वो बात ना माने, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे बात कहेंगी तो शायद उनकी बात माने, क्योंकि आप जानती हैं कि राजीव गांधी जो है उनके अच्छे दोस्त माने जाते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उनके रिश्ते गांधी परिवार से बहुत पुराने, और खाली कैप्टन अमरिंदर नहीं, जब शीला दीक्षित में दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ जो मोर्चा चलता था कई लोगों का, विरोधियों का, तो कई बार तमाम लोग लंबे समय तक कोशिश करते थे उनको हटाने के लिए, तमाम बातें होती थी, और जब शीला दीक्षित की जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात होती थी उसके बाद सारी समस्या का समाधान निकल जाता था, पता चलता था कि शीला दीक्षित ही मुख्यमंत्री रहेंगी। तो जो गांधी परिवार से जिनके रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं, ऐसे नेता कैप्टन अमरिंदर हो चाहे और तमाम बड़े नेता, उनकी जब वन टू वन मुलाकात हो जाती है तो उसमें लोग गांधी परिवार की बात भी मान लेते हैं और उनकी बात भी गांधी परिवार कहीं ना कहीं मानकर एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है। तो मान के चलिए अमरिंदर ही नेता रहेंगे, सिद्धू को कहीं एडजस्ट करके एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो उनकी मांग है, जो डिमांड्स है, जो शिकायतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। रवि, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कोई एक अलग बड़ा पद दिया जाता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है ताकि जो नाराजगी है दोनों ही खेमों में वो दूर हो, तो क्या इस पर मान सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? क्योंकि यहां तो जो उनके धुर विरोधी थे प्रताप सिंह बाजवा और बाकी विधायक, इन सबकी एकजुटता दिख रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तमाम विधायकों की जो मुलाकात हुई थी, आपको बताना चाहूंगा, उसमें तमाम विधायकों ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए, और सिद्धू को लेकर कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही थी कुछ विधायक उनके साथ हैं, लेकिन विधायकों ने खुलकर समर्थन कहा जाए तो प्लेटफॉर्म पे जाकर समर्थन नहीं किया, ऑन कैमरा समर्थन नहीं किया उनका, इसलिए कहीं ना कहीं कैप्टन नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना कांग्रेस की मजबूरी है। लेकिन सिद्धू चूंकि एक ऐसा चेहरा है जिनको पार्टी में लाया गया है और पार्टी में उनको भरोसा दिया गया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से, तो हो सकता है कि, देखिए कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला आजकल बनाया है कि कैंपेन कमेटी या चेयरमैन बना दिया जाता है, अध्यक्ष किसी को बनाया जाता है, चुनाव किसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, और कई बार अध्यक्ष भी बनाया जाता है तो उसके साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, तमाम तरह के फॉर्मूले कांग्रेस में चल रहे हैं, चाहे गुजरात में देखा हमने, मध्य प्रदेश में देखा आपने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आपको याद होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, कमलनाथ को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, वैसे चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीते तो फिर सिंधिया साहब साइड हो गए, कमलनाथ को वहां के मुख्यमंत्री बने, ऐसे फॉर्मूला कई जगह कांग्रेस ने अपनाए हैं और उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला जिसमें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन या पार्टी का अध्यक्ष या फिर उनको कोई और जिम्मेदारी, क्योंकि डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने इनकार किया था। ठीक है रवि, लेकिन अगर हम संभावनाओं पर बात करें कि पंजाब का जो एक घमासान है लगातार बढ़ रहा है, इस पर हमें पार्टी को पूर्ण विराम लगाना होगा ताकि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, राज्य में एक मैसेज अच्छा जाए, अगर पार्टी ही पार्टी के भीतर ही ऐसे बंटवारा होगा तो क्या संदेश राज्य में देंगे, लेकिन संभावनाएं क्या क्या व्यक्त की जा रही हैं? देखिए पहली संभावना ये है कि जो चुनाव होने वाला है तो चुनाव के लिए एक 18 सूत्री योजना बनाई गई है कि कहीं ना कहीं जो सिद्धू का अब शिकायत हो चाहे तमाम विधायकों की शिकायत थी कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति थी, गुरुग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला था, इसके अलावा माफिया जो शराब वहाँ जो ड्रग्स माफिया का मामला है, सैंड माफिया का मामला है, ट्रांसपोर्ट माफिया का मामला है, इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक फॉर्मूला तैयार होगा, दिल्ली को लेकर देखिए कार्ड खेला है तो दिल्ली को लेकर एक फॉर्मूला तैयार होगा कि पावर को लेकर कितना वहां
माफ करना, क्योंकि हरीश रावत ने बयान दिया था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री की जाएगी, वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला रखेंगे। केजरीवाल साहब ने 300 कर दिया, तो सिद्धू साहब ने कहा कि 300 तक का यूनिट तक फ्री किया जाना चाहिए। इस तरह के फॉर्मूले तो होंगे कि किस फॉर्मूले पर कितने सूत्री योजना पर कैप्टन साहब को काम करना है। लेकिन जहां तक सवाल है सिद्धू साहब का, तो सिद्धू साहब को हो सकता है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए वहां का, हो सकता है उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, भी हो सकता है, और हो सकता है कि इनके अलावा उनको और भी कोई ऐसी जिम्मेवारी दी जाए जिसके अलावा जिससे कैप्टन साहब भी नाराज ना हो और सिद्धू की बात भी बनी रहे और बाकी आगे चुनाव तक मामला चलता रहे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई कितनी देर तक ये मुलाकात चलेगी, क्योंकि हम ग्राफिक्स में लगातार दिखा रहे हैं कि 25 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, बहुत अच्छी खासी मुलाकात हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू और प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर राहुल गांधी से भी मिले थे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लंच डिप्लोमेसी के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन का एक संकेत, एक मैसेज देने की कोशिश की थी। सिद्धू को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कैप्टन के अधिकारों पर अंकुश लग सकता है। दूसरी संभावना, तीसरी संभावना, टिकट बंटवारे में कैप्टन की मनमानी पर रोक भी लगाई जा सकती है आलाकमान द्वारा। चुनाव प्रचार में सिद्धू को बड़ा चेहरा बना सकते हैं कांग्रेस आलाकमान। चौथी संभावना है ये, पंजाब के घमासान में क्या कुछ संभव है, इसको लेकर हम अलग अलग आपको संभावनाएं बता रहे हैं। जो मौजूदा स्थिति है उसमें कैसे इस अंतरकलह पर पूर्ण विराम लगेगा, सिद्धू समर्थकों को टिकट बंटवारे की में जगह भी दी जा सकती है, ताकि दोनों ही धड़े जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं उनकी नाराजगी पर पूर्ण विराम लगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.